हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित गोयल। वेलकम टू माय स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल। गाइस, आज आप सभी लोगों के लिए मैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके हरियाणा के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, इस वीडियो का कंप्लीट देखिएगा। तो बहुत बार रिपीट हुए हैं, जो 7 से 8 बार तक रिपीट हो चुके हैं, तो आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन इस वीडियो से ज़रूर मिलेंगे। तो फटाफट चलते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, माय चैनल माय स्टडी क्लासेस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। अपोलो टायर्स लिमिटेड इज हेड क्वार्टर इन विच ऑफ दीज सिटीज ऑफ हरियाणा। अपोलो टायर्स निम्नलिखित का मुख्यालय हरियाणा के किस शहर में है? ऑप्शन ए सोनीपत में, ऑप्शन बी गुड़गांव में, ऑप्शन सी पानीपत में, ऑप्शन डी फरीदाबाद में। आप लोग आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? सोनीपत में, गुड़गांव में, पानीपत में, फरीदाबाद में। अपोलो टायर्स लिमिटेड इज हेडक्वार्टर इन विच ऑफ दीज सिटीज ऑफ हरियाणा। अपोलो टायर्स लिमिटेड का मुख्यालय हरियाणा के किस शहर में है? बताना चाहूँगा, इसका आंसर है बी गुड़गांव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अपोलो टायर्स लिमिटेड दुनिया का 11वां सबसे बड़ा टायर्स का निर्माता है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और इसका पहला संयंत्र केरल में चालू किया गया था। इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है और भारत में 4 विनिमय इकाइयां हैं, एक हंगरी में और एक नीदरलैंड में। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए। एक्सप्लेनेशन से आपको अच्छा क्लियरिटी मिल जाती है। ठीक है, ये इग्नोरेंस बिल्कुल भी नहीं देनी है एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भगवान परशुराम का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? लॉर्ड परशुराम टेम्पल इज सिचुएटेड एट विच ऑफ दिस प्लेस? ऑप्शन ए जगाधारी, ऑप्शन थानेसर, ऑप्शन सी माकंडा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आप लोग आंसर बताइए, इसका क्या है? इसका आंसर है ए जगाधरी। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये लोकेट जैसे कि जगाधरी जमुना नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है, भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर कौन सा? भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर जगाधरी जमुना नगर जिले हरियाणा में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु अमंग दिस स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम हरियाणा इज एसोसिएटेड विद बॉक्सिंग? साबिर अली, अखिल कुमार, अजमेर सिंह, सुनील दबास। बताना चाहूँगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस होते हैं जो ये एग्जाम में आते हैं। हरियाणा के इन खिलाड़ियों में से कौन बॉक्सिंग से जुड़ा है? बताना चाहूँगा, इसका आंसर है अखिल कुमार। आप इमेज में भी देख सकते हैं, आप इमेज देख लीजिए एक बार, जिसे आपको याद रहेगा। इमेज से चीज़ें क्लियर रहती हैं। जैसे मैं अनअकैडमी पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर मैं इमेजेस के थ्रू पढ़ाता हूँ। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। वेरी 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 और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इग्नोरेंस नहीं देनी इस क्वेश्चन को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा? निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का राज्य पक्षी है? स्पैरो, ग्रेट हॉर्नबिल, ब्लैक फ्रैंकोलिन, काला तीतर बोलते जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आप लोग बताइए आंसर क्या होगा। मैक्सिमम लोग तो जो वीडियो देख रहे हैं इमेज को देख के समझ गए होंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या है? काला तीतर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मेरी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, बिल्कुल भी इग्नोरेंस नहीं देनी इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज सिटी इज द पेट्रोकेमिकल हब ऑफ हरियाणा? हरियाणा का पेट्रोकेमिकल का हब कौन सा है? पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद। बताइए आंसर क्या होगा। विच ऑफ दीज सिटी इज द पेट्रोकेमिकल हब ऑफ हरियाणा? हरियाणा को पेट्रोकेमिकल हब कौन सा है? पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद। इसका आंसर है ए पानीपत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सतावर वाटिका हब पार्क निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? द सतावर वाटिका हर्बल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ दीज टाउन्स ऑफ हरियाणा? रोहतक में, हिसार में, अंबाला में, जींद में। बताइए आंसर क्या है इसका। द सतावर वाटिका हर्बल पार्क हरियाणा के किस शहर में स्थित है? रोहतक, हिसार, अंबाला, जींद। बताइए आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर है बी हिसार में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? विच ऑफ दीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज सिचुएटेड इन द रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? बहिंदीवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खापरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बताना चाहूँगा, इसका आंसर है बी नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे रखी है, आप लोग दे सकते हैं। बहिंदीवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? झज्जर में। नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? रेवाड़ी में, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, और उसके चलते हैं खापरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झज्जर में, और सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैथल में। एक भी इग्नोरेंस नहीं देनी है, प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर। नेक्स्ट चलते हैं। हरियाणा स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस इज लोकेटेड एट डैश हरियाणा? हरियाणा स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस डैश हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर? सिर्फ अंबाला में, गुड़गांव में, करनाल में, फरीदाबाद में। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या है।
आप लोग मुझे इसका आंसर बताओगे। चलो ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स से इसका आंसर बताना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दादरी बिकेम हरियाणा डैश डिस्ट्रिक्ट, दादरी बिकेम हरियाणा डैश डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना था? 30वां बना था, 29वां बना था, 19वां, 24वां, 22वां। इसका आंसर क्या है? डी, 22वां। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हरियाणा में अभी तक कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दिस सिटी इज नोन एज द हार्ट ऑफ हरियाणा, किस शहर को हरियाणा के दिल के रूप में जाना जाता है? दिल के हार्ट ऑफ हरियाणा, हिसार, भिवानी, करनाल, जींद। बताइए आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है डी, जींद, ठीक है। जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हु फाउंड द सिटी ऑफ करनाल, करनाल शहर की स्थापना किसने की थी? कर्ण, दुर्योधन, अर्जुन, युधिष्ठिर। बताइए आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में सोचिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए, कर्ण। नेक्स्ट चलते हैं, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा, हरियाणा के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? बेंद्र नारायण चक्रवर्ती, भगवत दयाल शर्मा, धर्मवीरा, रणजीत सिंह, नरूला। इसका आंसर है बी, धर्मवीर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ द हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में, अम्बाला में, फरीदाबाद में, पंचकुला में। वे इज द हेडक्वार्टर ऑफ द हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन बी, पंचकुला में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच ईयर डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट हैपन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप जो है SSC एग्जाम, CHSL एग्जाम, NTPC एग्जाम, ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1920 में होता, 1922 में, 1928 में, 1929 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, 1922 में। नेक्स्ट चलते हैं, द स्टडी ऑफ स्केलेटन इज नॉन एज ऑस्टियोलॉजी, एंथोमोलॉजी, ओडेंटोलॉजी और एंथोलॉजी। बताइए आंसर क्या है इसका? स्टडी ऑफ स्केलेटन इज नॉन एज, इसका आंसर ए, ऑस्टियोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बोलता हूँ, मेरा फर्ज है बताने का। वट आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑटम, वट आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन ऑटम के? ओनली प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ओनली न्यूट्रॉन्स। इसका आंसर बी, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट चलते हैं, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया 2019, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन के बाद जो याद रखना है कि मारुषि छिल्लर 2017 की मिस वर्ल्ड बनी थी। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में 200% एग्जाम में क्वेश्चन जरूर फ्रेम ऑफ किसी ने किसी सेट में ठीक रखा मिलेगा। मारुषि छिल्लर कहाँ से बनी थी, मतलब मिस वर्ल्ड बनी थी, ठीक है। ऑप्शन ए, सुमन राव। यहाँ पे बात करते हैं, कीरा आडवाणी, सिरा शंकर, शिवानी यादव। इमेज को देख के आप लोग समझ भी गएंगे, ठीक है। इसका सुमन राव। वट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन इन पंजाब एंड हरियाणा में? ये क्वेश्चन आपके NTPC या ग्रुप डी के एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ था, ठीक है, 1966 में। वहाँ पे अच्छे अच्छे जो बीज थे, वो जो अच्छी क्वालिटी के बीज थे वो इंपोर्ट किए गए थे, और इससे हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ था। वट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन इन पंजाब हरियाणा में? पंजाब हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? पौंड, कैनल, वेल, रेन। आप लोग सोचिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, कैनल। नेक्स्ट चलते हैं, वट इज द लेंथ ऑफ द कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस इन हरियाणा में? हरियाणा में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? 135.6 किलोमीटर, 142.8 किलोमीटर, 129.3 किलोमीटर, 111.8 किलोमीटर। बताइए आंसर क्या है? वट इज द लेंथ ऑफ द कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस इन हरियाणा में? 135.6 किलोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं, द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हरियाणा विद उत्तर प्रदेश इज डिफाइंड बाय डैश रिवर, द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हरियाणा विद उत्तर प्रदेश इज डिफाइंड बाय डैश रिवर, कौन से द्वारा? मारकंडा, घग्गर, सहाबी, यमुना। बी डी आंसर है, ठीक है, यमुना के साथ। नेक्स्ट चलते हैं, हु वॉज द अवार्ड इज द फर्स्ट हरियाणा रत्न अवार्ड? बताइए आंसर क्या होगा इसका? प्रथम हरियाणा रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? डॉक्टर अमन बातला, प्रोफेसर ए के बख्शी, जूही चावला, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ए, डॉक्टर अमन बातला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी सीट्स आर लोकेटेड, हाउ मेनी सीट्स आर अलॉटेड टू द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम हरियाणा, कितनी सीट अलॉटेड की जाती है? हरियाणा राज्य से राज्यसभा के सदस्य को कितनी सीटें आवंटित की जाती हैं? 1975। बताइए आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है डी, 5, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, विशेष तौर पर वेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब लोकेटेड, पंजाब का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? अमृतसर, चंडीगढ़, बठिंडा, पटियाला। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर इज हाई कोर्ट ऑफ पंजाब लोकेटेड? चंडीगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं,
हाउ मेनी लैंग्वेज ऑफिशियल रिकग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान ने कितनी भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है? 11, 15, 18, 22, बताइए आंसर क्या है इसका। हाउ मेनी लैंग्वेज ऑफिशियली रिकग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान ने कितनी भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है? 11, 15, 18, 22, बताना चाहूँगा। रेलवे NTPC एग्जाम, ग्रुप डी एग्जाम, SSC एग्जाम, CHSL एग्जाम, दुनिया भर के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डी 22 कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिरोजशाह पैलेस इज सिचुएटेड इन विच ऑफ दी सिटीज ऑफ हरियाणा, फिरोजशाह पैलेस हरियाणा किस शहर में स्थित है? हिसार में, नारनौल में, गुड़गांव में, अम्बाला में। फिरोजशाह पैलेस इज सिचुएटेड इन विच ऑफ दी सिटीज ऑफ हरियाणा, फिरोजशाह पैलेस हरियाणा किस शहर में स्थित है? हिसार, नारनौल, गुड़गांव, अम्बाला। इसका आंसर ए, हिसार में। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।